हेलो, मैं साक्षी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। आज मैं यहाँ पर जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, वो नोटिफिकेशन आया है एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी से। ये सोसाइटी है, ये जो काम करती है एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ये काम करती है एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी। मीन्स ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और एटमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है। सबसे अच्छी बात है, ये जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, क्योंकि ये जो एटमिक एनर्जी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी बॉडी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन किस पोस्ट के लिए है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है और डिजायर क्वालिफिकेशन है, कब फॉर्म फिल करना है, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है हमारा टीजीटी पीजीटी और पीआरटी टीचर्स के लिए, लाइब्रेरियंस के लिए। मीन्स क्या है, सबसे पहले जो एटोमिक एनर्जी सोसाइटी है उनकी टोटल 30 स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, वो भी 15 सेंटर्स पे है। तो जो 15 सिटीज है वहां पर इनका है और वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो वो है पीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी इनके लिए। और टीजीटी में हम जब देखेंगे तो इसमें है इंग्लिश सोशल साइंस हिंदी संस्कृत मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस पीईटी मेल पीईटी फीमेल। जो पीईटी मेल पीईटी फीमेल है दे आर फिजिकल एजुकेशन टीचर। आफ्टर दैट मराठी भी है हमारा, लाइब्रेरियन के लिए भी है और म्यूजिक म्यूजिक टीचर के लिए भी वैकेंसी है। टोटल जो हमारे पास है वो 205 वैकेंसीज आई हुई है। अब हम बात करेंगे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले मांगा है Whenever marks are not mentioned, GPA, CGPA, it is also understood as marks obtained conversion. मतलब जब भी यदि आपकी कोई भी डिग्री है जो CGPA के फॉर्म में है या GPA के फॉर्म में है, उसमें क्या होगा, आपको परसेंट में कन्वर्ट करके आपका डालना होगा। और सारी यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करती है कि कैसे परसेंट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अधिकांश जो होता है कि जब आपका CGPA दिया गया हो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड चीज का क्या मांगा है, कैंडिडेट विद बीएड इन स्पेशल स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट। ओके, नेक्स्ट इज फॉर ऑल द पोस्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। अब क्या है कि जो भी सारी पोस्ट है इन सबके लिए कंप्यूटर का नॉलेज तो बिल्कुल मस्ट है, लेकिन जो कंप्यूटर टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब इनका प्रोफेशिएंसी होना चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे आई एम फ्रॉम द एमबीए बैकग्राउंड, माय बैकग्राउंड इज एमबीए इन एचआर, सो आई नो आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, बट आई कैन नॉट अप्लाई फॉर कंप्यूटर साइंस पीजीटी टीचर बिकॉज आई डोंट हैव एमएससी और बी इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए बीसीए, ऑल दीज डिग्री आई डोंट हैव। इन सिमिलर वे नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल, मतलब आपको हिंदी का नॉलेज तो होना ही चाहिए भले आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यदि आपने टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई किया है सो यू शुड हैव प्रॉपर हिंदी नॉलेज और यू शुड हैव प्रॉपर हिंदी डिग्री। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई कि क्या है, यहाँ पर मैंने बात ऑलरेडी कर ली। नेक्स्ट इज अपर एज लिमिट की हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले जो है कि जो पीजीटी के लिए है 40 एज ऑन अपर एज लिमिट है, टीजीटी के लिए हमारी कितना है 35 इयर्स है, पीआरटी के लिए हमारी जो एज है वो 30 है। और आपके पास जो भी मतलब रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म ये क्या है, 23 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और 12 तक ही फॉर्म है, तो इसको बहुत ध्यान से भरिएगा, जल्दी भरिएगा, टुडे इज 25th और आपको 12 तक फॉर्म आप भर सकते हो। नेक्स्ट इज अब हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर पैटर्न में अभी यदि हम देखते हैं कि जो पीजीटी के लिए आएगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच कंपैरिजन कंप्राइजिंग ऑफ जनरल नॉलेज, मतलब आपका क्या है 100 मार्क्स के आएंगे, अब उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, आपका जनरल नॉलेज होगा, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा एंड सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो दिया रहेगा। अब क्या होगा, इसमें जो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस डिफाइंड है उसके मतलब उस तक आएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आएंगे। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं टीजीटी या लाइब्रेरियन के लिए, तो सेम है, सिर्फ उसमें क्या होगा कि जो आपका लेवल आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा।
पीआरटी टीचर्स के लिए भी सेम है, बस इसमें क्या है हायर सेकेंडरी लेवल अस पर एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस, क्योंकि जब पीआरटी वाला होता है तो इसमें 12th तक का आता है और वहां पर एनसीईआरटी और सीबीएसई का आ जाता है, वहां पर यूजीसी नेट तो कॉलेजेस के लिए काम करता है। पीआरटी म्यूजिक के लिए भी सेम चीज है, बस क्या है एंड द सब्जेक्ट कॉन्सर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, मतलब यदि जैसे म्यूजिक के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपका म्यूजिक में कोई डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री होगा उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था आपके लिए, आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगी, थैंक यू।